बरसात हो रही है, 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 बरसात हो रही है। शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है, आभास हो रहा है, भोलेनाथ की दया का एहसास हो रहा है। हरि ओम, कण कण में है महेश्वर, आभास हो रहा है, भोलेनाथ की दया का एहसास हो रहा है। दिन रात हो रही है, रात हो रही है, दिन 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 रात हो रही है। शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है, भक्ति समा रही है, मेरी धड़कनों से हर पल आवाज आ रही है। हरि ओम, मेरे रोम रोम में शिव भक्ति समा रही है, मेरी धड़कनों से हर पल आवाज आ रही है, मुलाकात हो 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 रही है। शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है, मंजिल देवेंद्र पा रहा है, जब से कैलाश पति का गुणगान गा रहा है। जय हो बाबा विश्वनाथ की। कुलदीप अपनी मंजिल देवेंद्र पा रहा है, जब से कैलाश पति का गुणगान गा रहा है, भली भांति हो रही 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 है। शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है, 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 बरसात हो रही है। शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिवो शंभु नमस्तुभ्यं।
हे गंगाधर नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं का अर्थ भी है कल्याण, यानी शिव का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी है। नमस्ते सुर प्रिया धारम, नमस्ते युग सृजन हारम, उमानाथम उमानाथम नमस्तुभ्यं हे बागेश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नेपाल में भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ के नाम से हम सभी भक्त पूजते हैं। नमस्ते पशुपति नाथम त्रयंबक हे भुजग धारम, नमस्ते पशुपति नाथम त्रयंबक हे भुजग धारम, जटाधारम जटाधारम नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। जो अमृत का पान करते हैं उन्हें देव कहते हैं, लेकिन जो विष का पान करते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। बोली नीलकंठ भगवान की जय हो। नमस्ते नीलकंठेश्वर, नमस्ते ओमकारेश्वर, देवेंद्र कुलदीप करे वंदन हे करुणा कर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। महाकालं नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं। पूज्य श्री देवेंद्र जी महाराज के सभी भजन योम कथा के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सावन के पावन महीने में सभी कन्याएं बाबा भोलेनाथ की उपासना करें एवं व्रत रखें। बाबा की कृपा से सभी कन्याओं को मनचाहा वर मिलेगा।
जय हो भोलेनाथ की। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती थी। जय हो। अपने बाबा के बगिया में जाती थी, डलिया भर फूल ले आती थी। उस फूल की हाँ उस फूल की माला बना करके शिव को पहनाया करती थी। भोलेनाथ से विवाह होने के पहले माता पार्वती फूल की माला चढ़ाने के बाद क्या करती थी? वो गंगा तट पे जाती थी, गंगा जल भर के ले आती थी। वो गंगा तट पे जाती थी, गंगा जल भर गंगा जल हाँ गंगा जल ला कर के अपने भोले को चढ़ाया करती थी। गंगा जल चढ़ाने के बाद वो गौशाला की तरफ जाती थी और गौ माता का दूध ला करके अपने भोले को स्नान कराती थी। वो गौशाला में जाती थी, गैया का दूध ले आती थी। हरिओम। गैया का हाँ गैया का दूध ले आ करके स्नान कराया करती थी। इतनी भक्ति भाव देख करके भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिए। खुश होकर शिव वरदान दिए, भक्ति का भाव पहचान लिए। खुश होकर शिव वरदान दिए, भक्ति का भाव पहचान लिए। कुलदीप हाँ कुलदीप देवेंद्र के संग में शिव का